अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों व टीचर्स को नगर पालिका अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को मानव श्रृंखला बना के वोट के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं स्कूली छात्रा ने गर्मजोशी के साथ गगनभेदी नारे लगाए। साथ ही नगर पालिका निर्वाचन अधिकारियों ने व स्कूल प्रबंधन और स्टाफ ने भी 17 नवम्बर को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की शपथ ली और अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों से मतदान करवाने की प्रतिज्ञा की। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आम नागरिक गांवों मोहल्लों चौक चौराहों में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर के आदेशानुसार 17 नवंबर को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं, जिससे मतदान का प्रतिशत 100% हो सके। है, मैं 10th B की छात्रा हूँ और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने बड़ों से अपील करने के लिए कि वो 17 नवंबर को आकर के वोट दें। थैंक यू। इसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेंट, कितने लोग आए हुए हैं आपके? हमारे स्कूल के जो कि अभी पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, तो हमारी क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी बच्चे आज उपस्थित हैं स्कूल में, स्कूल प्रांगण में, उन सभी की उपस्थिति यहाँ पर 100% है। संख्या इनकी लगभग 1800, आप ओवरऑल 1800 मान के चलिए, 1850-1800 ऐसे होगी। क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश यही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके माध्यम से वो पूरे शहडोल वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और 17 तारीख की सुबह हमें जो सबसे पहला कार्य करना है वो है कि हमें अपने पास के पोलिंग बूथ पर जाके मतदान देना है। उसे एक छुट्टी का दिन ना समझें, सबसे पहले जो हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, वो हम करें और सबसे पहले जाके हम वोट दें। और इसीलिए हम सब यहाँ, शिक्षक भी यहाँ, हम सारे शिक्षकगण भी उपस्थित हैं और यही सबसे कहना चाहेंगे शहडोल वासियों से कि सबसे पहले आप जाके वोट अवश्य दें, क्योंकि पिछले बार भी, जैसा कि सभी जनता जानती है शहडोल की, कि हमने बहुत ही अच्छा कीर्तिमान हासिल किया था, शहडोल का नाम काफ़ी ऊपर आया था, उसी तरह इस बार भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा हमारा परसेंटेज जाएगा। क्या नाम आपका? श्वेतांजलि पाठक। जागरूकता अभियान आपने चलाया था स्कूलों के बच्चों के माध्यम से, इनसे क्या संदेश जाएगा? जैसा आप सभी को पता है कि 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन के मतदान की तारीख है, तो इस मतदान दिवस के लिए कलेक्टर महोदय जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं के निर्देशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीप गतिविधियां इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर संचालित की जा रही हैं। उसी तारतम्य में आज हमने बच्चों के माध्यम से, जो हमारी शहडोल पूरा ज़िला है और उसके अंदर जयसिंह नगर विधानसभा है, उसके में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इन बच्चों के माध्यम से रंगोली और एक मानव श्रृंखला का आयोजन यहाँ किया था। और यहाँ पर उनके जितने भी टीचर्स हैं, लगभग 50 से ज़्यादा संख्या में यहाँ टीचर्स उपलब्ध हैं जो स्वयं मतदान भी करेंगे, उनके द्वारा भी यहाँ शपथ ली गई है। और इन बच्चों के माध्यम से हम इनके पेरेंट्स को ये मैसेज करना चाहते हैं कि 17 नवंबर को 100% अनिवार्यतः मतदान केंद्रों में जाकर मतदान करें। अमूमन यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में मतदाता कई बार असुविधाओं के चलते या अवकाश का दिमाग में रखते हुए मतदान करने नहीं जाते हैं, जबकि यह हमारा लोकतंत्र का मूलभूत आधार ही यह मत है। तो इस उद्देश्य को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए बच्चों को यहाँ प्रेरित किया है कि अपने पेरेंट्स से यह शपथ लेंगे कि पेरेंट्स उस दिन जाकर मतदान अवश्य करेंगे। उसी तारतम्य में आज यह मानव श्रृंखला बनाई। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।